चैनल काजल्स ब्लॉग, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है किड्स समर डेली रूटीन के बारे में। अभी आप सभी लोगों को पता है गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है बच्चों की। अभी बच्चे स्कूल तो जाने गए हैं और पिछले साल भी स्कूल नहीं गए हैं। मेरी भी एक बेटी है जो पिछले साल पूरा टाइम उसने ऑनलाइन क्लासेस करी है और अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जहाँ तक ऑनलाइन ही क्लासेस चलेगी। तो अभी तो गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, तो कैसे आप घर पर बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाकर लेकर आई हूँ जिसे आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आप उसे मतलब बच्चों को एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं, उन्हें भी मैनेज कर सकते हैं, प्लस आप उन्हें स्टडीज़ भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो बच्चों का वेकअप टाइम है, जो बच्चों का वेकअप टाइम है, जो बच्चे उठ रहे हैं आजकल। पहले तो मेरी बेटी भी है, वो पहले 7-7:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब तो उसका जो टाइमिंग है वो 9 से 9:30 हो गया है। क्योंकि अभी मैं भी नहीं उसे जगाती हूँ, क्योंकि अगर वो उठ भी जाएगी तो वो क्या करेगी, बच्चे अभी क्या करेंगे, उठ भी जाएंगे जल्दी से तो आपको अभी तो बच्चे उनकी नींद होना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, क्योंकि वो लोग ना बाहर जा सकते हैं, ना ज़्यादा बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो इस वजह से मैं अभी उसको थोड़ा सोने देती हूँ। तो अभी जो टाइमिंग चल रहा है बच्चों का वो है 9 से 9:30 तक आप बच्चों को उठा ही दीजिए, मतलब 9:30 तक तो आप उठा ही दीजिए, नहीं तो अगर इससे ज़्यादा सोएंगे तो उनका पूरा दिन का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, वो पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बात करेंगे, जैसे कि मैंने एक टाइम टेबल भी बच्चों के लिए बना दिया है और ये मैं आपके सामने बाद में आपको शेयर कर दूंगी। तो जो इनका वेकअप टाइमिंग मैंने रखा है वो 9 से 9:30 तक आप बच्चों को उठा दीजिए, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा देर नहीं सोने मत दीजिएगा बच्चों को। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा एक्सरसाइज टाइम। ठीक है बच्चों को, अभी आपको पता है कि अभी कोरोना चल रहा है तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और प्लस क्या है बच्चों को आप एक्सरसाइज करवाइए घर पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्किप मत कीजिए। तो 10 से 10:30 तक का टाइमिंग जो रहेगा वो एक्सरसाइज टाइमिंग रहेगा। ठीक है, अब आपको करना है 10:30 से 11:30 तक का ब्रेकफास्ट टाइम। ठीक है, अब जो बच्चे अगर मतलब जो 10:30 से 11:30 तक का जो टाइमिंग रहेगा उसमें आप बच्चे नाश्ता करेंगे जो भी, और जो बाद में जब उठने के बाद में वो ब्रश नहाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद का जो टाइमिंग रहेगा आपका 10:30 से 11:30 तक का ब्रेकफास्ट का टाइमिंग। ठीक है, बच्चे तो ना प्रॉपर बैठ के खाते हैं, कभी उन्हें कुछ चाहिए होता है, कभी घूमते फिरते खाते हैं बच्चे, सबके हर बच्चा अलग अलग होता है तो वो अलग अलग तरीके से खाता है, तो उनमें टाइम लग ही जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा 11:30 तक बच्चे नहा लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, उठ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसके बाद में आप बच्चों को 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाइए। 11:30 से 1:00 तक आप बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, पढ़ाइए जो उनका माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश रहता है, उस टाइम पर आप पढ़ा सकते हैं जैसे बच्चे का टाइमिंग रहेगा। कुछ बच्चों की अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है छोटे छोटे बच्चों की, तो वो उस टाइम पे क्लासेस करवा सकते हैं, जो भी उनका टाइमिंग है उस टाइम पे वो क्लासेस करवा सकते हैं। ये तो आपका ये जो रूटीन है ये है समर डेली रूटीन, मतलब अभी जो गर्मियाँ चल रही है उस हिसाब से। ठीक है, तो 11:30 से 1 o'clock तक आपको बच्चों को स्टडीज़ करवानी है, आप जो भी उनका होमवर्क है जो दिया है वो आप करवा सकते हैं। सो बच्चों का जो लंच टाइमिंग रहेगा वो 1 o'clock से 2 o'clock रहेगा, बच्चे उसमें खा लेंगे अच्छे से, तो अब तक बच्चों का पढ़ाई और खाना ये सब कुछ हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है 2 o'clock से 4 o'clock तक आप आफ्टरनून नैप, बट आफ्टरनून नैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वो सोना भी इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे सोएंगे नहीं तो उनकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, और बच्चे आजकल थक जाते हैं तो उन्हें हर बच्चा दोपहर में तो सोता ही है, तो उन्हें आफ्टरनून नैप आप दिलाइए, 2 से 4 बजे तक उन्हें सोने दीजिए अच्छे से। फिर जो 4 से 5 बजे का जो टाइमिंग रहेगा, फिर आता है 4 से 5 बजे का टाइमिंग 4 o'clock से 5 o'clock तक गेम्स एंड एक्टिविटीज़ का। आप बच्चों को कोई सा भी गेम खिला सकते हैं, लूडो खिला सकते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जैसे ड्राइंग करवा सकते हैं, उन्हें बैठ के आप ड्राइंग करवाइए, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट आप करवा सकते हैं। तो ये कुछ गेम्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिसमें बच्चे भी आपके साथ इंजॉय करेंगे। तो ये था 4 to 5 o'clock तक का टाइमिंग। अब आता है 5 to 6 o'clock। अब 5 आउटडोर फंस आपको मतलब कि आपको छत पर ले जाना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू लॉकडाउन, तो आपको बच्चों को एटलीस्ट आप नीचे मत ले जाइए, लेकिन आपके यहाँ अगर छत है तो आप छत पर ले जाइए, थोड़ी देर उसे खेलने दीजिए, और क्योंकि बच्चों को बाहर ले जाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है इस लॉकडाउन के कारण। ठीक है, कोरोना के कारण, तो सबसे पहले आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप बच्चों को छत पर ले जा सकते हैं। फिर हमारा जो टाइमिंग होता है, फिर जो टाइमिंग है वो है 6 o'clock से 8 o'clock तक का। ठीक है, वो है स्टडी टाइमिंग।
ठीक है। स्टडी टाइमिंग में आप क्या कर सकते, बच्चे जब घूम के आते हैं, खेल के आते हैं, तो बच्चे फ्रेश रहते हैं, ठीक। उसके बाद आप क्या करिए, 6 o'clock से 8 o'clock तक आप बच्चे को जो भी पढ़ाई है, जो उनको करवाना है, वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहूँगी, अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, तो बच्चे क्या हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन्हें आप पढ़ाई भी करवाइए, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ाइए, उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी। रीडिंग्स में आप उन्हें एक हिंदी की बुक और एक इंग्लिश की, जो भी उनके सिलेबस की है, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, आप उनसे एक पेज रोज़ पढ़ाइए, ठीक है। ये चीज़ तो आपको रोज ही करनी है, ठीक है। फिर दूसरी तीसरी चीज़ आती है, आप उन्हें तो एक पेज लिखवाइए, जो भी होमवर्क है वो करवा सकते हैं, ठीक है, उनको, ताकि वो लोग, वो बच्चे भूले ना, ठीक है। सो बच्चों का जो टाइमिंग रहेगा, स्टडी टाइमिंग, वो रहेगा मतलब 6 o'clock से 8 o'clock तक का। तो उसमें आप बच्चों को कुछ भी पढ़ा सकते हैं, जो भी उनका रीडिंग स्किल्स पढ़ा सकते हैं, ताकि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें आप रोज़ मेंटेन करें, ताकि बच्चों का जो आगे जो क्लासेस आने वाली है उसमें उनका जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। मैं अपनी बच्चे के साथ अभी यही कर रही हूँ, मुझे एक पेज उसका रीडिंग करवाती हूँ, हिंदी का, इंग्लिश का, प्लस काउंटिंग हो गई, ABCD हो गई, ये फिर कुछ भी कुछ उसे राइटिंग वर्क दे देती हूँ, जैसे हिंदी का और इंग्लिश का, वो एक पेज लिखती है, ठीक है। तो ताकि उनकी हैंडराइटिंग भी उससे अच्छी होगी, रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होगी, और उन्हें लर्न भी रहेगा, तो ये उनकी आगे वाली क्लासेस जो आने वाली है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप ये टिप को ज़रूर फॉलो करें। फिर जो टाइमिंग रहता है हमारा डिनर टाइमिंग रहता है 8 to 9:30 तक का। तो बच्चे उसमें TV भी देखते हैं, खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, चिल करते हैं, तो ये टाइमिंग उनका रहता है 9:30 तक का। वो कुछ भी उसमें खाना पीना खा सकते हैं, चिल कर सकते हैं। फिर 9:30 के बाद में आता है आपका 9:30 का टाइमिंग रहेगा, वो है रहेगा स्टोरी टाइम। आप स्टोरी सुनाइए बच्चों को, जब आप बेड टाइम स्टोरीज आप सुना सकते हैं, जब बच्चे सोने जाएं तो आप उन्हें मोबाइल में ना दिखाकर आप उन्हें अपने खुद ही स्टोरी सुनाइए, ठीक है। उससे क्या होगा, उन्हें स्टोरीज लर्न होगी, पोएम्स लर्न होगी, प्लस उसमें मैसेजेस, उन्हें अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा समर डेली रूटीन फॉर किड्स, ठीक है। इसे फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।